सो गाइस, मार्केट जो है यहाँ पे निगेटिव जा रहा है और ऐसे में बेरिश पॉइंट में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसको मिस नहीं किया जा सकता, इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर जो है आने वाले कुछ एक या दो दिन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है मीम कॉइन को लेकर जहाँ पे हम अपने पैसे जो है डबल कर सकते हैं अच्छे खासे तौर पर। हम लोग सब जानते हैं कि मीम कॉइन जो है आने वाले टाइम पर काफी स्पीड में पंप करते हैं और काफी बढ़िया रिटर्न भी देते हैं, काफी जल्दी देते हैं, लो मार्केट कैप होते हैं, जल्दी पंप करते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ऐसे में ऑलरेडी सारे जो मीम कॉइन है इस समय ऑलरेडी डीप पे चल रहे हैं। तो यहां मैं आपके साथ दो ऐसे मीम कॉइन शेयर करने जा रहा हूं जो इस समय खरीदना सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ऑब्वियसली हम लोग सब जानते हैं उन नाम्स को, लेकिन फिर भी इस समय जो है वो गोल्डन टाइम पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सारी कम्युनिटी की इस समय ध्यान पड़ा हुआ है और इसी समय वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वॉलेटाइल भी है। जितना वो नीचे जा सकते हैं उससे कई ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस अब ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में हम लोग आने वाले टाइम पे बुलिश मोड या फिर बुलरन का मोड ही देखने वाले। ऐसे में अगर मैं पहले नंबर पे शेयर करूं कॉइन को, तो उसका नाम है भाई इस समय डॉग फाइव। इन दोनों जो नाम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। डॉग फाइव वॉट जो है, हमने एक चीज देखी थी कि कॉइन काफी ज्यादा पंप हुआ, 3x 4x का रिटर्न दे दिया, बहुत शॉर्ट टाइम में दे दिया, और उसके बाद जो है ये कॉइन वहीं पे स्टेबल रहा। बहुत सारे कॉइन अप एंड डाउन आए, बहुत सारे मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन स्टिल ये जो मीम कॉइन है वहीं पे डटा हुआ। और इस समय कम्युनिटी का और मेजर वेल्स का ध्यान इसी कॉइन के ऊपर है। तो इस समय अगर कोई एक कॉइन है जो जल्दी और डबल हो सकता है अपनी इस वैल्यू से भी, तो डॉग फाइव वॉट है, क्योंकि बड़े बड़े वेल्स और बड़ा बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पर एक्युमुलेट करने के लिए बैठा हुआ है। सेकंड नंबर पर अगर बात करें इस समय, तो पेपे कॉइन। पेपे कॉइन ने हमको लास्ट बुल रैली में अच्छा खासा पंप दिखाया, 200-300% अपनी जगह से पंप हुआ, अभी वापस से उसी जगह आया। लेकिन अगर हम लोग बाकी आर्टिकल्स का या फिर एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये कॉइन अभी भी यहां से उतना ही पंप कर सकता है, वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड में, और ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि अभी जो इसकी वैल्यू है ये अभी नेक्स्ट बुल रन में, अभी इसने बुल रन मतलब ऐसा समझो कि फेज ही नहीं किया है, अभी तक देखा ही नहीं है। ये जब फेस करेगा तो ये कितना रिटर्न देगा नहीं बोला जा सकता है। और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये शिबा इनू जितना रिटर्न दे सकता है उतना नहीं, बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 100-200% जो है दे पाएगा, या 3-4x अभी एक शॉर्ट टाइम पीरियड में देने की आराम से पॉसिबिलिटी, क्योंकि ERC-20 पे है और इथेरियम का स्कोप हम देख ही रहे हैं जब से ETF अप्रूवल हुआ है। तो ये दो कॉइन को जो है इस समय मिस मत करना। आप अगर आप अपनी रिसर्च पहले कर लो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक डिसेंट अमाउंट पूरे पोर्टफोलियो का 1-2% आप इसमें इन्वेस्ट करो, ताकि अगर वो यहाँ वहाँ हो भी जाते हैं वॉलेटिलिटी में तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जितनी मेजर अपडेट है वो तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर उसको सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।